बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो जनाब, ज़रा देखते हैं कि क्या हमें कोई फ़ायदा हासिल हुआ इस तरीके से डिवाइड एंड कॉन्कर के थ्रू हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को फॉर्मुलेट किया। तो अगर आप देखें तो जो कॉम्प्लेक्सिटी बन रही है उसकी, टी एन कॉम्प्लेक्सिटी, हम जो है 8 सब मैट्रिक्स में उसको 8 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 8 TN/2, क्योंकि हमने N/2 में डिवाइड कर दिया, मैट्रिक्स को आधा कर दिया हमने, 8 बाय 8 का कर दिया 16 बाय 16 से। और एडिशन जो हो रही है इसमें, पीछे देखें आप, एडिशन किया था आपने तो ये N² टाइम ले रहा था, तो ये एक्सप्रेशन बन रही है। और θ1 जो है बेस केस का टाइम है, तो हम लिख सकते हैं 8 TN/2 प्लस θ N². और जब इसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकालेंगे तो θ N³ ही रहेगी इसकी कॉम्प्लेक्सिटी, जो कि हमने देखा था मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, हमने जो सिंपलेस्ट सॉल्यूशन देखा था उसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी N³ थी, इसकी कॉम्प्लेक्सिटी भी N³ ही है। तो जनाब फिर फ़ायदा क्या हुआ? तो यहाँ पर जो है हम स्ट्रेसेंस एल्गोरिथम को देखेंगे जिसने इस काम को आसान बनाया।